गुड मॉर्निंग। जब आप इस पत्र को पढ़ रहे होंगे तब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। मुझ पर गुस्सा मत होना। मुझे मालूम है आप में से कुछ ने सच में मेरी बहुत परवाह की है, प्यार भी किया और मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद से ही दिक्कत होती थी। मैं हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान का लेखक, काल सगान जैसा। लेकिन लिखने के नाम पर मैं यही पत्र आपको लिख रहा हूं। मैंने विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार किया है, लेकिन मैंने इंसानों को भी चाहा, बिना जाने कि लोग तो कब का प्रकृति से दूर हो चुके हैं। हमारी भावनाएं हमारी अपनी नहीं रही, हमारा प्यार बनावटी है, हमारी मान्यताओं पर रंग चढ़ गए हैं। बिना आहत हुए सच में प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आदमी की कीमत तो बस उसकी फौरी पहचान में सिमट कर रह गई है। मैं ऐसा पत्र पहली दफा लिख रहा हूं, पहली बार एक अंतिम चिट्ठी। अगर मेरी बात का कोई तुक न लगे तो माफ कर दीजिएगा। हो सकता है मैं शुरू से ही इस दुनिया को समझने में गलत रहा। प्यार, पीड़ा, जिंदगी और मौत को गलत ही समझा। इन्हें समझने की कोई जल्दी भी तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दी में था, जीवन शुरू करने को बेताब। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो जीवन ही अपने आप में अभिशाप है। मेरा पैदा होना ही जानलेवा दुर्घटना है। मैं इस वक्त आहत नहीं हूं, मैं उदास भी नहीं, मैं बस खाली सा हो गया हूं, खुद से बेपरवाह। मेरे जाने के बाद लोग मुझे कायर कह सकते हैं, स्वार्थी या बेवकूफ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मरने की बात की कहानियों में यकीन ही नहीं करता। अगर वाकई में कुछ है और जिस पर मैं भरोसा करता हूं, तो बस इतना कि मैं सितारों तक सफर कर सकता हूं, दूसरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। अगर आप जो ये पत्र पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मुझे 7 महीनों की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपये। प्लीज देखिएगा कि यह पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को कुछ 40,000 देने हैं, उसने कभी वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज इस पैसे से उसे दे दीजिएगा। मेरे अंतिम संस्कार को शांति रहने दीजिए। बस ये सोचिए कि मैं आया और चला गया। मेरे लिए आंसू मत बहाना, ये समझना कि मैं जिंदा रहने से ज्यादा मरकर खुश हूं। परछाइयों से सितारों तक, उमानना माफ कर दीजिएगा, इस काम के लिए आपका कमरा यूज किया। अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफी। आपने मुझे बहुत प्यार किया, आपके अच्छे भविष्य के लिए दुआ करता हूं। मेरे दोस्तों और मेरे दुश्मनों को मेरे जाने के बाद परेशान मत कीजिएगा। एक आखिरी बार के लिए जय भीम। आपका रोहित।